बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा अजान के वक्त, ख़ास तौर पर फजर की अजान के वक्त, बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं, भौंकते हैं। तो इसकी क्या वजह है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताएँगे कि कुत्ते की पैदाइश किस तरह से हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान और शैतान का क्या किरदार रहा, और अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब अजान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए, और अजान के वक्त के क्या क्या आदाब हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प और प्यारी होने वाली है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा ख़ासकर फजर की अजान के वक्त ही होता है। तो चलिए बताते हैं आपको इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके, लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं। वो बेजुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाज़ें निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, ख़ासकर फजर की अजान, तो जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलते हैं, और अजान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएँ वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है तो इससे लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जान ही चुके कि रात के वक्त शैतान और बलाएँ निकलते हैं, और सुबह के वक्त जब फजर की अजान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसानों को पता चल जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब खुदा ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदे में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए, मगर शैतान खड़ा रहा और नहीं झुका। खुदा ताला को उसका यह तकब्बुर पसंद न आया और उससे दरियाफ्त फरमाया कि ऐ इब्लीस, मैंने जब अपने दस्ते कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो तूने क्यों ना सजदा किया। शैतान ने जवाब दिया, ऐ खुदा, मैं आदम से अच्छा हूँ, इसलिए कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, और आग मिट्टी पर गालिब होती है, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल होती है, फिर मैं एक बशर को सजदा क्यों करूँ। खुदा ताला ने उसका यह तकब्बुर भरा जवाब सुनकर इरशाद फरमाया कि ऐ इब्लीस मर्दूद, निकल जा मेरी बारगाह रहमत से, जा तू क़यामत तक के लिए मर्दूद और लानती हो गया है। उसके बाद खुदा ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमाया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले मुबारक की ज़ियारत करते थे, मगर शैतान मर्दूद हसद की आग में जल भुन गया था, और एक मरतबा उस मर्दूद ने सारी हदें पार कर दी, और उसने किया ये कि बुग्ज़ और कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। ये थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाप मुबारक के मकान पर पड़ा। खुदा ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से इतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। चुनांचे उस शैतानी थूक से मली हुई मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस इसलिए है क्योंकि मट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और पलीद इसलिए है यानी नापाक इसलिए है कि थूक शैतान का है, और रात को जागता इसलिए है कि हाथ इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हुए हैं। शैतान के थूकने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि मकाम नाफ शिकम की वजह से जीनत बन गया। इसी तरह अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखी करने से उन अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उनकी शान और भी चमकती है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को हसद और नफ़रत की निगाह से देखना शैतानी काम है।
तो मेरे दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि कुत्ते की पैदाइश आखिर कैसे हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान की नाफ का क्या किरदार था और शैतानी थूक का भी क्या किरदार था। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आज़ान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, आज़ान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर दो, आज़ान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, आज़ान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर चार, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो भी आज़ान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर पाँच, आज़ान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। और नंबर छः, आज़ान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर सात, अगर रास्ते में आज़ान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर आठ, आज़ान के वक्त आज़ान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर नौ, आज़ान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर दस, आज़ान के वक्त औरतों को सिर ढक कर रखना चाहिए। नंबर ग्यारह, आज़ान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर बारह, जो शख्स आज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर तेरह, आज़ान जब भी सुने आज़ान का जवाब दें, कहने वाला जैसा कहे सुनने वाला भी वैसा कहे। नंबर चौदह, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आँखों को लगाए। नंबर पंद्रह, खुतबे की आज़ान का जवाब देना मुक्तदियों के लिए जायज़ नहीं है। और नंबर सोलह, हैज व निफास वाली औरत को आज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर सत्रह, पेशाब या पाखाना करने वाले आज़ान का जवाब ना दें। दोस्तों, आज़ान के दौरान इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 11 कामों के करने से अल्लाह पाक घर से बरकत ख़त्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर एक, बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर खाना खाने वाले घर से। दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में हमेशा रिज्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता हो और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिज्क में बरकत हो, तो जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। नंबर दो, बग़ैर वज़ू किए कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बग़ैर वज़ू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो वज़ू ज़रूर बना लिया करें और बग़ैर वज़ू कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। और नंबर तीन, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से। दोस्तों, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर जब भी कोई सवाली आए, यानी कोई मांगने वाला आए, तो उसे आप कुछ ना कुछ ज़रूर दें, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और नंबर चार, मेहमान आने पर नाराज़ होने की वजह से। दोस्तों, इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊँचा है और मेहमान के खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान की खिदमत ज़रूर करें। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसकी खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज़ करने वाले घर से अल्लाह पाक बरकत ख़त्म कर देता है। और नंबर पाँच, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले घर से। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है जिस घर में वालदैन की इज्जत ना की जाती हो, यानी कि जिस घर में माँ बाप से बदसलूकी की जाती हो। तो दोस्तों, आप लोग भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप अपने वालदैन को हमेशा खुशी रखें, भूल कर भी कभी अपने माँ बाप को नाराज़ ना होने दें, क्योंकि दोस्तों, माँ बाप की दुआ या फिर बददुआ वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। और नंबर छः, आमदनी से ज़्यादा खर्चा करने वाले घर से। दोस्तों, फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है, इसलिए आप इतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत ख़त्म कर देगा और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। और नंबर सात, सुबह देर तक सोने वाले घर से। दोस्तों, अल्लाह ऐसे घर से भी रहमत के फरिश्तों को दूर कर देता है जिस घर में सुबह सूरज निकलने तक सोया जाता हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो तो आपको चाहिए कि सुबह फजर की अजान से
पहले उठें और फजर की नमाज पढ़ें, फिर देखें कि आपके घर में किस तरह बरकत होती है, आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है। नंबर 8, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेर नाफ बाल रखने की वजह से। दोस्तों, इस्लाम एक पाक और साफ मज़हब है और पाकी को ही पसंद करता है, इसलिए अगर कोई शख्स ज़ेर नाफ बालों को 40 दिन से पहले साफ़ नहीं करता तो अल्लाह इस अमल को नापसंद फरमाता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देता है। और नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से। दोस्तों, जो शख्स अपनी औलाद को कोसता रहता है, यानी कि उनको गालियां देता रहता है, और ख़ास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है, तो अल्लाह ताला ऐसे घर से भी बरकत ख़त्म कर देता है और ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। और नंबर 10, मगरिब और इशा के बीच सोने की वजह से। दोस्तों, अल्लाह ने इशा और मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है, इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो तो कभी भी आप भूलकर भी इशा और मगरिब के बीच ना सोएं। और नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से। दोस्तों, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये वो 11 काम हैं जिनके करने से अल्लाह पाक घर से बरकत ख़त्म कर देता है और ऐसे घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो और आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे, तो इन 11 कामों को कभी भी भूलकर भी ना करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।